एक अंतरराष्ट्रीय संस्था वजों संयुक्त राष्ट्र के इतिहास की शुरुआत दूजे विश्व युद्ध में हुई है। 1944-45 विल्सोनियन प्रबंध को लैके यूएस के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने जंग तो बाद की अपनी सर्वोच्च तरजीह के तौर पर संयुक्त राष्ट्र की स्थापना नू लीग ऑफ नेशनस की थान लैण लई अगे वधाया। रूजवेल्ट ने योजना बनाई कि यह संयुक्त राज सोवियत यूनियन यूनाइटेड किंगडम और चीन द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। अज इस वीडियो में जाणांगे यूएन की शुरुआत बारे, पहली मीटिंग बारे जो 10 जनवरी 1946 नू हुई सी। तुसी वेखना शुरू कर चुके हो इतिहास की गल। 12 जून 1941 नू यूनाइटेड किंगडम, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ते होर देशां दे प्रतिनिधां दे नाल नाल फ्रांस के जनरल डी गोल दे प्रतिनिधि ने लंडन में मुलाकात की सी। उन्होंने सेंट दे घोषणा पत्र ते दस्तखत किए। जेम्स दा पैलेस जंग तो बाद दे विश्व प्रबंधा लई एक दृष्टि नू प्रगट करता सी। ये पहला कदम सी जिसने संयुक्त राष्ट्र की स्थापना वल अगवाई की। अटलांटिक कॉन्फ्रेंस 9 से 12 अगस्त 1941 हुई जिस विच अमरीकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने इस दृष्टिकोण को अटलांटिक चार्टर में वधेरे विस्तृत रूप में पेश किया। 24 सितंबर 1941 लंडन में अंतर संबंधी कौंसल की अगली मीटिंग में धुरे के कब्जे अधीन देशों की गुलामी वाली 8 सरकार सोवियत यूनियन और आजाद फ्रांसीसी फौजों के नुमाइंदों ने सर्वसम्मति नीति के सांझे सिद्धांतों की पालना की जो ब्रिटेन और संयुक्त राज द्वारा निर्धारित किया गया। राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने सब तो पहला दिसंबर 1941 प्रधानमंत्री चर्चिल की वाइट हाउस में 3 हफ्तों की फेरी दौरान दूजे विश्व युद्ध के सहयोगी देशों का हवाला देने संयुक्त राष्ट्र नाम की वरतों का सुझाव दिता। चर्चिल ने 1815 वाटरूल की लड़ाई में सहयोगियों का हवाला देने वाली कविता चाइल्ड हैरोल्ड्स पिलग्रेम्स लॉर्ड बायरन द्वारा संयुक्त राष्ट्र शब्द की वरतों लई सहमति दी और हवाला दिता। युद्ध दौरान संयुक्त राष्ट्र सहयोगी देशों लई अधिकारित शब्द बन गया। शामिल होने लई देशों नू घोषणा पत्र ते दस्तखत करने पए अते धुरे दे युद्ध का ऐलान करना पिया। मास्को कॉन्फ्रेंस के नतीजे वजो मास्को घोषणा पत्र शामिल हैं जिस विच जनरल सुरक्षा बारे 4 राष्ट्रां की घोषणा भी शामिल है जिस विच युद्ध तो बाद स्थाई शांति सुरक्षा बल की संभावी विवादित स्थापना भी किसी चर्चा नू भी छड़ दिता गया। यह अमरीकी विदेश विभाग द्वारा तैयार किया गया सी। संयुक्त राज, यूनाइटेड किंगडम, सोवियत यूनियन और चीन गणराज दीयां सरकारां दे विदेश सकत्तरां द्वारा दस्तखत भी किए गए सन। यह पहली रस्मी घोषणा सी कि एक नवी अंतरराष्ट्रीय संस्था मोरबंड लीग ऑफ नेशनस की थान लैण विच विचार की जा रही सी। 30 अक्तूबर 1943 नू तहरान कॉन्फ्रेंस हुई जिस विच रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन ने मुलाकात की। युद्ध तो बाद दे अंतरराष्ट्रीय संगठन ते विचार चर्चा की गई। सहयोगी 1944 डंबरटन ओक्स कॉन्फ्रेंस में नवी संस्था के बुनियादी ढांचे लिए सहमत हुए। चर्चिल ने रूजवेल्ट नू अगस्त 1944 पैरिस की आज़ादी तो बाद फ्रांस नू एक मुख शक्ति के दर्जे में बहाल करने की अपील की। 25 अप्रैल 1945 नू बिग फोर द्वारा स्पॉन्सर किए गए सन। फ्रांसिस्को विच एक अंतरराष्ट्रीय संगठन ते संयुक्त राष्ट्र की कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। चर्चिल के जोर से फ्रांस नू सुरक्षा परिषद के स्थाई मैंबर वजो शामिल किया गया सी। 2 महीनों तक काम करने तो बाद कॉन्फ्रेंस में नुमाइंदगी करने वाले 50 देशों ने 26 जून नू संयुक्त राष्ट्र के चार्टर से दस्तखत किए। चार्टर में कहा गया है कि इसके लागू होने तो पहला इस नू चीन, फ्रांस, USSR, ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज दीयां सरकारां द्वारा और होर 46 हस्ताक्षरकर्तावां दे द्वारा बहुमत द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए है। ये 24 अक्तूबर 1945 नू होया सी अते संयुक्त राष्ट्र अधिकारित तौर पर बनाया गया सी। जनरल असैम्बली की पहली मीटिंग 10 जनवरी 1946 नू लंडन के वैसटमिंस्टर सेंट्रल हॉल में हुई सी। UN यानी यूनाइटेड नेशनस का इतिहास। इस तरीके की होर महत्वपूर्ण जानकारी देखते रहो पंजाब टूडे।